हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कार रिपेयर की थीम अपलोड की थी एक्स्ट्रा के थ्रू, प्लगइन के थ्रू। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे कि एक तो थीम को करेंगे कस्टमाइज, एक इसके अंदर कुछ फॉर्म की सेटिंग में देखनी है और एक मैप भी दिखाता हूँ मैं आपको। इस टाइप से ये फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, एक ये देखेंगे और एक हम देखेंगे इसके अंदर मैप की सेटिंग, क्योंकि आपका उस वाले पार्ट में कस्टमाइजेशन में आपका मैप रह गया था। और प्लस इसमें हम देखेंगे इसका फुटर वाला पार्ट कि अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके सबसे पहले कस्टमाइज वाले पार्ट के अंदर। थीम पे गए, राइट क्लिक करा यहाँ से, या तो आप जाएंगे कस्टमाइज में यहाँ से, या आप जाएंगे थीम के कस्टमाइज वाले इसमें सेक्शन में कस्टमाइज में से, ठीक है। मेन्यू पे अगर आपको कुछ चेंज करना है, सेम वही पार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू का पार्ट ऊपर नहीं आएगा, तो इसमें आपको जो भी आपको चेंजिंग करना है आप कर सकते हैं। कोई लिंक लगाना आप लिंक लगा सकते हैं, ये लिंक आपका इस बटन का लिंक है, और अगर आपको बटन हटाना है तो आप यहाँ से जाकर बंद कर देंगे तो आपका यहाँ से बटन हट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस पर काम करना है तो इसके लिए आपको मैंने बताया था, आप जाएंगे हेडर में साइट आइडेंटिटी में, और यहाँ पे आपका लोगो है, अपना लोगो लगा देंगे, इसका लोगो ऐसे हटा देंगे। लोगो की विड्थ छोटी बड़ी करनी है तो आप यहां से छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और ये था हमारा सेटिंग वाला पार्ट। और अगर आपको इसके फुटर में कुछ सेटिंग करनी है, कुछ चेंजिंग करनी है, तो इसके लिए आपको हमने बताया था कहां जाने के लिए, अपीयरेंस में हेडर एंड फुटर बॉक्स के अंदर हम गए, क्लिक करते हैं और यहां पे जाके आपको करना है इसको विद एलिमेंटर, ठीक है। तो आप इसमें जो भी सेटिंग आप करने कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको उसके बारे में। और ये था हमारा हेडर फुटर का सॉरी, और ये है हमारा थीम के कस्टमाइजेशन का, ठीक है। अब इसमें आपकी एक चीज है, आपका वाला सेक्शन इसको कैसे चेंज करना है आपको, इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे साइट में जाएंगे, यहाँ पे ये होम पे आ गए, यहाँ पे जाएंगे फुटर में, ठीक है, फुटर पे क्लिक करेंगे, फुटर बार पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, सेक्शन वन और सेक्शन टू, सेक्शन वन ये है और सेक्शन टू क्या है आपका ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा हुआ साइट का टाइटल, ठीक है। तो साइट का जो भी आपका टाइटल होगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका मेंशन हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे आप लगा हुआ है कॉपीराइट एडिट करंट ईयर, जो करंट आपका ईयर है, ठीक है, ये शॉर्ट कोड है इसका। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जब भी साइट को अपलोड करेंगे तो उस समय जो भी ईयर होगा, यानी कि 2021 होगा या 2020 होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, प्लस साइट का टाइटल, जो साइट का आपका टाइटल होगा। अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में हम जाएंगे अपने सेटिंग में जाएंगे जनरल में, सपोज करिए आपको यहाँ पे अमित आर्ट्स ये चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे सिंपल, और चेंज करने के बाद जाएंगे सेव चेंजेस में, होगा चेंज, वेबसाइट पे जाएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, देखिए चेंज हो गया। तो ये तरीका है इसको चेंज करने का, ठीक है। तो अब हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, अभी थीम कस्टमाइज आपको बता दिया मैंने, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल कस्टमाइजेशन जाना आपको, वहां पर लोगो चेंज करना लोगो चेंज कर सकते हैं, मेन्यू पे कुछ चेंजिंग करनी आप कर सकते हैं, बटन वटन हटा सकते हैं, फुटर का अगर आपको ईयर चेंज करना है कर सकते हैं, बट अगर आपको फुटर का नाम चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, तो आप जाएंगे सेटिंग में जाके आप उसको चेंज कर देंगे, आपका इजिली चेंज हो जाएगा। समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। और फॉर्म सेटिंग और मैप सेटिंग, फुटर का टाइटल हमारा हो चुका, कस्टमाइज हो चुका, अब करते हैं फॉर्म सेटिंग और मैप सेटिंग के अंदर, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, ये जो फॉर्म है बाय डिफॉल्ट लगा हुआ आया है, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्म जो लगा के देते हैं ये एक्चुअली पेड होता है, ये प्रमोशन के लिए होता है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, हम चलते हैं डैशबोर्ड में, ठीक है,
डैशबोर्ड में आप देखेंगे लेफ्ट में, तो यहाँ पर लिखेगा आपको डोमेफी फॉर्म्स, ठीक है। क्लिक करते हैं ऑल फॉर्म्स पे। ये देखिए आपका है कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये इसका शॉर्ट कोड है, ठीक है। अब ये प्लेस कैसे हुआ आपको पहले तो ये बताता हूँ, और ये हटा के हम अपना फॉर्म लगाएंगे, बट ये हम सेक्शन करेंगे अगली आने वाली वीडियो में, क्योंकि फॉर्म वाला अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आप केवल समझ लीजिए फॉर्म लगाते कैसे हैं। ये हमारा फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं जाके एडिट एलिमेंट्री के अंदर, क्योंकि वहां पे जाके ये हमने फॉर्म इसके अंदर लगाया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ये तो सेक्शंस हैं, ये आपको अच्छे से पता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको करना है, छोटा बड़ा करना है, जो भी आपको उसमें चेंजिंग करनी है कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, जो सेक्शन आपको चाहिए आप इसको रखिए, बाकी आप इसमें से रिमूव कर दीजिए। आगे चलते हैं, देखो ये है फॉर्म, देखिए इसके अंदर क्या है, ये बैकग्राउंड इमेज सेक्शन के अंदर, और उसके ऊपर क्या इमेज सेक्शन, इसके अंदर रोज, और इधर क्या देख रहे हैं आप, ये फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का सेक्शन अलग है इमेज में, और ये सेक्शन अलग है। अगर आपको फॉर्म हटाना है तो आप क्लिक करके इस फॉर्म को हटा देंगे, अगर आपको प्लेस करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ शुरू पे, तो आपका इधर से साइड में देखिए ये फॉर्म का कोड आ गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट कोड्स। अगर आपको कोई फॉर्म लगाना है, जैसे कि सपोज मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, ये कोड कौन सा है आपका, देख रहे हैं ये वाला शॉर्ट कोड्स। सपोज किसी ने कोई फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के लिए जाते हैं यहाँ पे ऑल फॉर्म्स के अंदर, लेकिन अभी क्या इश्यू है, ये जो फॉर्म है आपका एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं जाके चेक करूंगा इसकी एंट्रीज में, तो ये देखिए फॉर्म आपका पेड फॉर्म है, ये देखिए ये कह रहा है अपग्रेड टू प्रो, ऑप्शन कहीं इसमें है नहीं फ्री में यूज करने का, तो आपको इसका प्रो बाय करके आप इसको यूज कर सकते हैं, ये केवल इसका प्रमोशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को हटा के अपना फॉर्म लगाएंगे, बट वो वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी आप समझ लीजिए फॉर्म लगाते कैसे हैं। ऑल फॉर्म्स में गए, इसका शॉर्ट कोड कॉपी करा, कॉपी, सपोज कीजिए मेरे को फॉर्म, यही फॉर्म मेरे को एक नया सेक्शन लेता हूं मैं इधर, ठीक है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे टाइप करता हूं शॉर्ट कोड, आगे शॉर्ट कोड इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे, आ गया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा वो वाला शॉर्ट कोड पेस्ट, आ गया आपका फॉर्म। तो ये जो आपका फॉर्म लगा हुआ है, ये यही फॉर्म है, इस टाइप से आपका लगाया गया है, ठीक है। बाकी सेटिंग करेंगे, ये पैडिंग वेडिंग देके, बैकग्राउंड कलर देके इसको फॉर्म को सेटअप किया गया है, वो आप भी कर सकते हैं इसके अंदर, इसके एडवांस में जाके, जो भी आपको मार्जिन देना है, आपको पैडिंग देनी है पैडिंग के अकॉर्डिंग, और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर, आपको जो भी इसका कलर बैकग्राउंड का रखना है, देखिए होगा लगभग लगभग सेम लुक आएगी इस टाइप से, ठीक है। ऊपर क्या है, ये एक आपका टेक्स्ट है, आप इसको लगा सकते हैं, ड्रैग किया टेक्स्ट को और यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इसके अंदर जाकर जो भी आपको प्लेयर डालना है, फिल दी फॉर्म ये आपने मेंशन कर दिया, और ये आपको उसका स्टाइल में जाके आप इसके टाइपोग्राफी को थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे, और यहाँ से जाके इसको हम कर देंगे सेंटर में, सेटिंग करेंगे तो आपकी सेटिंग जैसे आपकी इसकी आ रही है, ऐसी आपकी सेम सेटिंग इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, और इन्होंने क्या करा है, इसका जो बैकग्राउंड है इसका पूरा कंप्लीट, इसको भी कलर कर दिया है, जिसकी वजह से वो इसके साथ अटैच होकर आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से, ठीक है। ये तरीका आपको फॉर्म लगाने का, मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ फॉर्म कैसे लगाया है। हमने क्या करा, सिंपल आपका डैशबोर्ड है जहां पे आपका फॉर्म अवेलेबल है, अभी हम इसको उठाकर नया फॉर्म डालेंगे तो उसका भी सेम सिस्टम होगा, उसका भी आपको शॉर्ट कोड मिलेगा। ये शॉर्ट कोड हमने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमने क्या करा, अपने एलिमेंटर में गए, एलिमेंटर में जाके एक शॉर्ट कोड का सेक्शन लिया, टाइप करा शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड लिया, ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया उसका शॉर्ट कोड, ऑटोमेटिकली फॉर्म आ गया, उसके पीछे हमने सेटिंग कर दी, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रेडी हो गया। ये तरीका है फॉर्म लगाने का, मैं इसको फिलहाल इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। अपडेट करते हैं,
और अभी ये फॉर्म आपका अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये जो फॉर्म आपका लगा हुआ है ये प्रो वर्जन का है, तो आपके काम का नहीं है। आने वाले वीडियो में आपको फॉर्म लगाना बताऊंगा तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं जो इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका मैप, ठीक है। अब ये मैप कहाँ पे है? मैप है फुटर के अंदर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस में हेड एंड फुटर पर क्लिक करा, एंड इसको करेंगे एलिमेंटर को एडिट, हो गया। क्लिक करेंगे या पर मैप बन गया, ठीक है। मैप लगाते कैसे आपको मैं बता देता हूं। अगर सपोज कीजिए मेरे को यहां पर, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं एक बार, मुझे यहां पर मैप लगाना है, ठीक है। तो मैं यहां से इसको कर लूंगा यहां से डिलीट, और यहां जाऊंगा, यहां पर मैप लूंगा, ड्रैग करूंगा और मैप को यहां पे प्लेस कर दूंगा। ये आपका यहां पे आ गया मैप, ठीक है। अब यहां पे जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहां पे मेंशन कर देंगे और आपका यहां पे क्या होगा, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहां पे आपका एड्रेस आ जाएगा। हाइट आपको क्या रखनी है, सब इसके अंदर आपकी सेटिंग होती है कंप्लीट। स्टाइल क्या रखना है आपको, वो भी आपका इसके अंदर चेंज हो जाएगी, और एडवांस में आपको क्या करना है वो भी आपका इसके अंदर चेंज हो जाएगा। ये आपका सिंपल मैप लगाने का तरीका था, और बाकी हेडर का पार्ट आपको क्लियर है। तो ये था आपका थीम का कस्टमाइजेशन का पार्ट। जितना भी बचा हुआ इसके अंदर पेजेस हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो सारा आप एलिमेंटर में जाके चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में सब कुछ देखा है, सब कुछ करके देखा है, तो आपसे आराम से इसको हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नई थीम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।